सब्सक्राइब करिए विदिस कुकिंग को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बाउल में ले रही हूँ बेसन, जो नॉर्मल हम घर में बेसन यूज़ करते हैं वही बेसन ले रही हूँ। आप अपने ब्रेड पकौड़े की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बेसन कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 7 से 8 ब्रेड पकौड़े बना सकूँ उतना मैं बेसन ले रही हूँ। तो एक बाउल में मैं ले लूँगी बेसन और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ी सी मैं इसमें डाली हूँ चुटकी भर हींग, हल्की सी हींग भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देती है, आप इसमें ज़रूर से डालिएगा। तो मैं हींग डाल दूँगी और अब मैं इसमें डाली हूँ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाली हूँ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया जीरा पाउडर। आप चाहें तो सिर्फ हल्दी के साथ भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर भी डाला है। और इन सबको बहुत ही अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें बैटर बनाने के लिए धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। बेसन का घोल बनाने में कभी भी पानी एक साथ में ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बैचेस में पानी ऐड करेंगे तो बेसन में कभी भी लम्प्स नहीं बढ़ेंगे। और इसी तरह से मैं धीरे धीरे पानी ऐड करती जाऊंगी और एक गाढ़ा मिक्सचर बैटर रेडी कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसमें धीरे धीरे ही पानी ऐड कर रही हूँ और इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। और बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे ब्रेड पकौड़े पे कोट नहीं होगा। तो बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, देखिए ना बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली, कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इस बैटर को रख देंगे एक साइड में और अब यहाँ पे एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, इसको हम गर्म करने रख देंगे। और जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और थोड़ी सी हींग। जीरा और हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो हल्का सा जीरा जब भुनने लग जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग और इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके रखा था तो वो डाल दूँगी और एक छोटी हरी मिर्च को काट करके रखी थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं। और इन दोनों को हम अच्छे से सौते कर लेंगे और अच्छे से सौते करने के बाद में अब हम करेंगे इसमें मसाले। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर। इस मसाले को हमें चटपटा बनाना है तो मैंने हरी मिर्च तो डाली है और लाल मिर्च का पाउडर भी डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और इन सबको बहुत ही अच्छे से सौते कर लेंगे। मसाले सौते करने के बाद में अगर आप आलू में मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और कलर आएगा। तो मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से सौते हो चुके हैं तो लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से सौते हो चुके हैं तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके रख दिया था और मैश करके, तो मैश करे हुए आलू मैं इसमें डाल दूँगी। ये भी आपने अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आलू को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसालों में ताकि मसाला और आलू बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ इस तरह से प्रेस कर करके आलू के बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से मैश कर लेना है आलू को हमें मसाले में। और बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद में लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत सारा चॉप किया हरा धनिया। हरा धनिया के बिना तो ये रेसिपी अधूरी लगती है, तो हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। और अब मैं गैस को कर दूँगी बंद और इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको भी एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्रेड, तो यहाँ पे मैं वाइट ब्रेड ले रही हूँ, आपको जो ब्रेड पसंद है आप वो ले सकते हैं। और एक ब्रेड पे हम लगा लेंगे इस तरह से जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाइएगा तो ही बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा।
बहुत कम लगाएंगे तो अब ब्रेड पकौड़े का मज़ा नहीं आएगा। तो मैं इसको अच्छे से फैला दूंगी। आप चाहें तो इस टाइम पे पहले ग्रीन चटनी बना करके और उसके ऊपर बाद में ये बैट स्प्रेड कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं ऑलरेडी मसाला बहुत चटपटा बना है तो ग्रीन चटनी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करने के बाद में इस पर मैं दूसरी ब्रेड रख दूँगी और इसको मैं कट कर रही हूँ 2 पीसेज में। अगर आपको छोटे ब्रेड पकौड़े बनाना है तो आप 4 पीस भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो मैंने ब्रेड पकौड़ा रेडी किया है उसी तरह से बाकी भी रेडी कर लूँगी। और ये देखिए मैंने सारे ब्रेड में स्टफिंग भर के रेडी कर लिया है। और अब हमने जो पहले बैटर बनाया था बेसन का, उसको देखिए बहुत ही अच्छे से घुल चुका है। तो अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बहुत ही कम डालना है पर डालिएगा ज़रूर, इससे हमारे जो पकौड़े हैं उसका आउटर लेयर बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं वो फूले फूले बनेंगे बिल्कुल बाजार जैसे। तो इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसमें जो हमने ब्रेड को स्टफ़ करके रखा था उसको इस तरह से हम डुबो करके पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे सब जगह से। और फिर इस तरह से आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ पकड़ेंगे तो हमारा जो बैटर है वो बहुत ही अच्छे से ब्रेड पे कोट होके रहेगा, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। और अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑलरेडी मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम करने रख दिया था तो वो हो चुका है गरम। तो उसमें मैं इस तरह से ब्रेड पकौड़ा डाल दूँगी और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है, हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक। इस तरह से हम इसको पलट पलट के गोल्डन कलर आने तक कुक करेंगे और बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो कभी कभी बेसन कच्चा भी रह जाता है। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम कुक करेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ब्रेड पकौड़ा रेडी हो चुका है, हल्का सा गोल्डन कलर भी आ चुका है आप देख सकते हैं। तो बस इस टाइम पे मैं निकाल लूँगी इसको एक टिश्यू पेपर पर और इसी तरह से मैं दूसरे ब्रेड पकौड़े भी फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और अब ये ब्रेड पकौड़ा रेडी हो चुका है तो इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से ब्रेड और आलू का लेयर्स अलग अलग दिखते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग तो है ही और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए तो टेस्टी हमारे ब्रेड पकौड़े रेडी हो चुके हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। इस 1 कप मैदे में से करीब 4 से 5 कचौरी मीडियम साइज़ की बन जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं उसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी अजवाइन में ले लूँगी और उसको हाथ से मसल करके डाल दूँगी। अजवाइन आप ज़रूर से डालिए, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून घी का मॉइन। आप चाहें तो तेल का भी मॉइन डाल सकते हैं पर घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और एकदम खस्ता बनती है घी की वजह से। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून और इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कभी कभी आटा ज़्यादा मॉइन लेता है तो आप देखिए किस तरह से चेक करना है। तो आपको चेक करना है कि इस तरह से जब आप मुट्ठी बांधते हैं तो आटा अच्छे से घी या तेल जिसमें भी आप मॉइन डाला है वो परफेक्टली ऐसा बंधना चाहिए। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका मीडियम हार्ड डो लगाऊंगी। पराठे हम लगाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड हमें इसका डो लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब मैं इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट ढक करके और हम बनाएंगे इसका स्टफिंग। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग दाल को अच्छे से धो करके भिगो करके रख दिए थे 4 से 5 घंटे। ये बहुत ही अच्छे से भीग गई थी तो मैंने इसको छलनी में निकाल दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और अब मैं इसको एक मिक्सर जार में ले लूँगी और इसको हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, जिससे को थोड़ा थोड़ा चला करके और इस तरह से कोर्सली ग्राइंड हमें करना है। बिल्कुल भी इसका पेस्ट नहीं बनाना है, दाने दाने ही रखने हैं। और अब यहाँ पे एक पैन में मैं ले रही हूँ 6 टेबलस्पून ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। उसमें 1 टीस्पून मैं ऐसे ही डाल दूँगी और दूसरा 1 टीस्पून मैं इससे हाथ से मसल करके डालूँगी, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश की काली मिर्च और इसमें मैं डाल रही हूँ हींग। हींग ज़रूर से डाली, हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इन सबको अच्छे से सौते कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने 2 छोटी हरी मिर्च को काट करके रख दिया था तो वो ले रही हूँ और एक छोटा टुकड़ा अदरक का जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था तो वो ले रही हूँ। और इसको भी हम बहुत अच्छे से
मिक्स करेंगे और सौते करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसको ज़रूर से डालिएगा। बेसन से इसका टेस्ट एंड टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, हलवा जिस तरह से बनाते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट और टेक्सचर आएगा। और बेसन को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि वो कच्चा टेस्ट नहीं आए बेसन का, और अच्छे से बेसन भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हमने जो कोर्सली ग्राइंड करके रखी थी मूंग दाल। वो मूंग दाल डालते से ही मूंग दाल बहुत ही अच्छे से तेल को सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और ये थोड़ी थिक पेस्ट जैसा बन जाएगा, पर ये धीरे धीरे जैसे जैसे कुक होता जाएगा वैसे वैसे ये एकदम खिला खिला सा मिक्सचर हो जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पहले नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और धीरे धीरे ये सब कुछ हमें लो फ्लेम पे ही कुक करना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है, वो अपने आप ही मूंग दाल खिली खिली। और अब मैं इसमें ले रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक सादी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च ताकि उसको बहुत ही अच्छा सा कलर आए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे मूंग दाल में ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, देखिए कुछ इस तरह से। और मसाले भी बहुत ही अच्छे से भून जाएंगे मूंग दाल के साथ में। और अब मैं इसमें डालूँ 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड, या आप इसको नींबू का शहद भी बोल सकते हैं, और 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी शुगर ताकि उसको बैलेंस हो जाए। और अगर आपके पास नींबू का शहद नहीं है तो साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर नींबू का जूस डाल रहे हैं तो सबसे लास्ट में जब गैस हम बंद करेंगे तब डालें, अभी से नहीं डालना है। और इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं परफेक्ट खिला खिला सा हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। और लास्ट में मैं इसमें डालूँ थोड़ा सा गर्म मसाला और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक बाउल में मैं निकाल लूँगी। और अब यहाँ पर आटे में से मैंने एक पोर्शन ले लिया है और इसको मैं इस तरह से रोल कर लूँगी और अब मैं इसकी एक मीडियम थिक रोटी जैसा बेल लूँगी, ये देखिए कुछ इस थिकनेस की होनी चाहिए। और अब मैं इसमें करीब 2 से 2.5 बड़े चम्मच स्टफिंग भरूँगी, स्टफिंग ज़्यादा होगा तो ही कचौरी का मज़ा आता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 2.5 बड़े चम्मच स्टफिंग भर रही हूँ और इसको हम इस तरह से धीरे धीरे करके सील कर लेंगे। सील बहुत ही अच्छे से होना चाहिए वरना कचौरी हमारी फटने की चांसेस रहते हैं, और तेल अगर और अगर कचौरी फट जाती है तो सारा मसाला तेल पी लेता है तो वो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए इस तरह से पैक करने के बाद में जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इस तरह घुमा करके हम निकाल लेंगे और जो ऊपर जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से हम इसको सील कर लेंगे ताकि कहीं से भी हमारी कचौरी फटे नहीं। और इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे, हाथों को इस तरह से यूज़ करके हमें इसको कचौरी को प्रेस करते जाना है ताकि मसाला और हमारी कचौरी परफेक्टली तैयार हो जाए। ये देखिए मैं इसी तरह से सारी कचौरी बना लूँगी, और कचौरी हमेशा राउंड ही क्यों हो, आज मैं एक कचौरी आपको स्क्वायर भी बना के दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी लगती है स्पेशली बच्चों को, बच्चों की डिमांड रहती है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का चीज़ें खाने की। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ एक स्क्वायर भी, या आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैं पैक कर लूँगी और इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्के हल्के हाथों से हम बेल लेंगे ये देखिए। और यहाँ पे मेरे रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप की कचौरी भी रेडी हो चुकी है और ये भी उतनी ही खस्ता बनती है और ये भी अच्छे से फूल जाती है। तो आप इसको इस तरह से डिफरेंट शेप्स की भी कचौरियाँ बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल को रख दिया था गरम करने मीडियम फ्लेम पे, और इसको हमें कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही। तो यहाँ पे मैं कचौरी डालने के बाद में हम तुरंत ही गैस को कर देंगे लो फ्लेम पे और इस तरह से कचौरी पे धीरे धीरे से ऑयल डालते जाएंगे। आपने हलवाइयों को भी देखा होगा इस तरह से ऑयल डालने से ऊपर से हमारी कचौरी बहुत ही अच्छे से फूल जाती है, और इस तरह से हम धीरे धीरे ऑयल डालते जाएंगे और इसको जब हल्की सी फूल जाएगी तब दूसरी तरफ से पलट देंगे, पलट पलट के ऐसे ही कुक करेंगे और इसको हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम कुक करेंगे। और ये देखिए हमारी खस्ता कचौरी रेडी हो चुकी है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और अब यहाँ पे मैं स्क्वायर वाली जो कचौरी है उसको भी फ्राई कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से फूल रही है, और सेम उसको भी हम लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। जितना लो फ्लेम पे आप कुक करेंगे उतनी ही हमारी कचौरी खस्ता बनेगी। और ये देखिए ये भी तैयार हो चुकी है, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ और सारी कचौरी और भी मैं तैयार कर लूँगी। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हमारी जो स्क्वायर कचौरी वो भी, और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हमारी कचौरी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है और एकदम खस्ता हमारी कचौरी बनती है। ये कचौरियाँ ठंडे होने के बाद में भी इतनी ही खस्ता और इतनी ही क्रिस्पी रहती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉर्न ले लिया है और इसमें से सारे छिलके निकाल दिए हैं। बस एक या दो लेयर्स जो बचते हैं वही मैंने उस पे रख दिए हैं। और इसको हम बॉईल करेंगे माइक्रोवेव में। आप चाहें तो गैस में भी बॉईल कर सकते हैं, नॉर्मल कुकर पे भी बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो लेयर पत्तों के साथ में माइक्रोवेव पे 4 मिनट कॉर्न को कुक करने रख दिया है। आपका कॉर्न छोटा है तो हो सकता है 2 या 3 मिनट में हुए हो जाए, बड़ा है तो हो सकता है 5 या 6 मिनट भी लगे। आपकी कॉर्न की साइज़ के हिसाब से आप मिनट उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये कॉर्न बॉईल हो चुका है और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ध्यान से उसको कैरी कीजिए, नहीं तो आप कोई भी कपड़े से या ग्लोव्स पहन के उसको बाहर निकाल लीजिए। जब ये बॉईल होता है तो आप देखिए कितने इजीली इसके छिलके निकल जाते हैं और बिल्कुल भी स्टिक नहीं करते हैं। तो इसको चेक कर लीजिए कि आपके बॉईल हुए हैं या नहीं हुए कॉर्न। अगर आपको 1-2 मिनट और रखने तो आप रख सकते हैं। जब कॉर्न हमारे ठंडे हो जाएंगे तो इस तरह से कॉर्न निकालने का जो कटर आता है उससे इस तरह से सारे दाने बहुत ही इजीली निकाल देंगे हम। अब यहाँ पे एक बाउल में ये मैंने सारे दाने जो कॉर्न के निकाल लिए थे ये वो ले लिए हैं। अब भी अच्छे से निकल जाते हैं कॉर्न के दाने। बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन और बारीक चॉप किया हुआ धनिया ले रही हूँ, वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे मैंने बारीक चॉप किया हुआ करी लीव्स, मीठे नीम के पत्ते हैं, वो डाल दिए। 2 से 3 कली लहसुन और एक छोटा टुकड़ा अदरक का जिसको मैंने कूट लिया है वो डाल दूंगी। और अब हम इसमें करेंगे मसाले। नमक डालेंगे, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला, बहुत ही चटपटा। मैं इसमें डाली हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून सेम प्रपोर्शन में चावल का आटा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीब 4 बड़े चम्मच बेसन। आप अपने कॉर्न के अकॉर्डिंग बेसन कम ज़्यादा ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर जैसा रेडी करेंगे। पर बहुत ही लिक्विड बैटर हमको रेडी नहीं करना है, थोड़ा थिक बैटर ही रेडी करना है। पर जब भी आप बैटर रेडी करें तब आप चेक कर लें तो अच्छे से बैटर बेसन ने कवर कर लिया है। अगर कम लगता है, जैसे यहाँ पे मेरे को कम लगा है, तो मैं यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून बेसन और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप देखिए कुछ इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए, लिक्विड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये तेल गरम करने रख दिया है। जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें पकौड़े तलेंगे। और पकौड़े मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही तलने हैं। अगर अगर आपका बेसन उसमें कम होगा तो जब आप पकौड़े ऐसे फ्राई करने रखेंगे तो कॉर्न के जो दाने हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और पकौड़े अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। पकौड़े को ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार आप फ्लिप करके उसको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लीजिए। और ये देखिए हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको मैं टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी तो ये देखिए हमारे एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये कॉर्न पकौड़ा रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेम्पटिंग लगती है, बच्चे को बड़ों को सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल में मैंने ले लिए बॉयल्ड आलू और बॉयल्ड पीस। यहाँ पे मेरे पास पीस थे तो वो भी डाले हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ बॉयल्ड आलू भी ले सकते हैं। तो उनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी पोटैटो मैशर्स। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे आलू मैश हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे पोहे डाल रही हूँ। पोहे को मैंने गला करके रख दिया था, जैसे हम नॉर्मल पोहे बनाते हैं उसी तरह से। और यहाँ पे मैं पोहे और ब्रेड क्रम्स दोनों का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप पोहा लिया है सूख करके। अगर आप सिर्फ पोहा ले रहे हैं तो इसका क्वांटिटी डबल कर सकते हैं या अपने पोटैटो के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ पर एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। उसमें मैं डाली हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को मैंने कूट कर के ले लिया था तो वो डाल रही हूँ। इसको हम सौते करेंगे। यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर
आपने हरी मिर्च भी डाली है तो आप लाल मिर्च का पाउडर उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा चटपटा बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा लाल मिर्च ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। बस धनिया जीरा पाउडर, इन सबको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। मसाले सौते करने के बाद में जब हम आलू में डालेंगे तो उसका टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं हल्का सा सौते कर रही हूँ मसालों को। डाली थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब मैं लास्ट में इसमें डाली हूँ किचन किंग मसाला, या आप चाहें तो गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और गैस को मैंने कर दिया है बंद, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमने जो आलू मैश करके रखे थे उसमें मैं वो मसाले डाल दूँगी। आप इस टाइम पे एक बार मिक्स करने के बाद में अगर चेक करिए, अगर कोई मसाले कम लग रहे हैं तब उसमें और ऐड कर सकते हैं बिना छोंक के। अब मैं सारे मसालों को एक बार बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद में यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ नमक और बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और लुक भी, तो आप वो ज़रूर से डालिए। और इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स, तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को जस्ट ग्राइंड कर लिया था मिक्सर जार में, तो वही मैं डाल रही हूँ। और आप अपने पोटैटो के अकॉर्डिंग ब्रेड क्रम्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स और पोहा डालने से हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से स्टिफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर है। और इसी तरह का मिक्सचर हमको चाहिए ताकि हमारी जो टिक्की है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, गीली गीली सौगी ना बने। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसको रेक्टेंगल शेप की, आप चाहे उस शेप की टिक्की बना सकते हैं, चाहे राउंड शेप की भी बना सकते हैं, या आप कोई कुकी कटर यूज़ करके उस शेप की भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जिस शेप की कुकी आपको पेटीज चाहिए उस शेप की आलू टिक्की आप बना लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से, और इसी तरह से मैं दूसरी आलू टिक्की भी बना लूँगी। और ये देखिए मैंने सारी आलू टिक्की को बना करके रख दिया है, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे तवे को ले कर लूँगी गरम, और गरम तवे पे मैं डाल रही हूँ ऑयल, और ऑयल को भी हम कर लेंगे गरम। और जब हमारा ऑयल हो जाएगा बहुत ही अच्छे से गरम, तब हम इस पे रखेंगे आलू टिक्की, और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि वो क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाती। और जब भी आप आलू टिक्की रखते हैं या कोई भी टिक्की रखते हैं तो रखने के बाद में एक बार ज़रूर से इसको हिला दीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से, ताकि जो नीचे कभी कभी तवे पे स्टिक हो जाती है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी, वो बहुत ही आसानी से क्रिस्पी भी हो जाएगी और स्टिक भी नहीं रहेगी। ये देखिए इस तरह से एक बार ज़रूर से हिलाइए, कोई भी आलू टिक्की हो या कोई भी टिक्की हो आप इस तरह से ज़रूर से करिए। इससे बहुत ही अच्छे से वो फ्राई हो जाती है और बिल्कुल भी नीचे तवे पे स्टिक नहीं होती है। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक कुक कर लूँगी। और ये एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं इसको पलट लेती हूँ और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। दूसरी तरफ पलटने के बाद में भी थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा दूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छे से कुक और क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए दोनों तरफ से हमारी आलू टिक्की बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है। तो मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट पे, और इसी तरह से दूसरी आलू टिक्की भी फ्राई कर लूँगी। टेस्टी एंड सिंपल आलू टिक्की रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही झटपट बन जाती है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में हम ये घर पे बना सकते हैं। तो पहले हम लगा लेंगे आटा डो, तो उसके लिए यहाँ पे एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, और उसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पे 1 कप मैदे में से कम 20 जितने मोमोज बन जाते हैं मीडियम साइज़ के, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैदे का पोर्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक हम अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम एक सॉफ्ट डो लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बट पराठा और रोटी के बीच का हम जो लगाते हैं वैसा डो लगा लेंगे। और इसीलिए हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसका डो लगा लेंगे।
हम अगर ज़्यादा हार्ड डो लगाएंगे तो हमारे जो मोमोज़ है वो अच्छे से कुक नहीं होंगे जब हम इसको स्टीम करेंगे तो, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो हम इसको प्रॉपरली शेप नहीं दे पाएंगे। तो एक परफेक्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ऐसा ये देखिए इस तरह का डो लगा लेना है। और अब हम इसको ढक करके रख देंगे 15 से 20 मिनट, तब तक हम इसकी चटनी और स्टफिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ, तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैं ले रही हूँ पानी। ये चटनी बहुत ही स्पाइसी होती है और इसीलिए इसका टेस्ट टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में मोमोज़ के साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे रेड चिली। तो यहाँ पे जो ऐसी सूखी लाल मिर्च आती है वो मैंने यहाँ पे ली है 15, और उसके जो ऊपर के डंठल होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। तो वो 15 जो लाल मिर्च है सूखी, वो मैं इस पानी में डाल दूंगी। इसे हमें बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है ताकि हमारी जो सूखी लाल मिर्च है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और जब भी हम इसकी चटनी ग्राइंड करें तो एकदम अच्छा टेक्सचर के साथ में चटनी रेडी हो जाए। और अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का ऑनियन मैंने ले लिया है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है। इन सबको एक साथ में मैं ढक करके कम से कम 15 से 20 मिनट, या तो फिर टमाटर की ऊपर से स्किन नहीं निकल जाती है और हमारी जो मिर्च है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है, तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर की ऊपर से बहुत ही अच्छे से स्किन निकल आई है, ये देखिए। और हमारी जो मिर्च है वो भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे से फूल चुकी है। तो इस टाइम पे मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसे हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद में ही इसे ग्राइंड करेंगे। बहुत ही अच्छे से जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम ले लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में, और सारा पानी नहीं लेना है, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी ही लेके हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से थिक पेस्ट रेडी हो चुकी है, और कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा लाल कलर आया है, वो भी बिना कलर ऐड किए हुए। तो अब यहाँ पे हम उसको कुक करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टीस्पून ऑयल, और ऑयल को हम कर लेंगे गरम। और गरम ऑयल करने के बाद में यहाँ पे 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, जिसको मैंने अच्छे से बारीक चॉप करके रखा था, तो वो डाल दूंगी। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, तो वो डाल दूंगी। आप चाहें तो जिंजर के भी पीसेस डाल सकते हैं। और इन दोनों को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा ही कुक हो जाए, हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही कुक करना है। गार्लिक या अदरक को हमें ब्राउन कलर नहीं आने देना है। थोड़ा सा जब ये कुक हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाई थी मिर्ची टमाटर और ओनियन की, वो डाल देंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में पर बहुत ही टेस्टी हमारी चटपटी चटनी रेडी होती है। और ये देखिए मैं सारा इसमें डाल दूंगी और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और यहाँ पे एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें मैं डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ताकि जो हमारी चटनी है वो जल्दी से अच्छे से कुक हो जाए। नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक करके 10 से 12 मिनट, या तो फिर जब तक कि ये चटनी हमारी अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती है, तब तक हम इसे कुक करने रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए कम 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी चटनी बहुत ही अच्छे से थिक हो चुकी है, सारा पानी जो है वो अच्छे से सोख कर लिया है, और हल्का हल्का सा साइड से ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है चटनी ने। तो ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इस टाइम पे मैं गैस को कर दूंगी बंद, और गैस बंद करने के बाद में इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर, जिससे बहुत ही अच्छा सा खट्टा टेस्ट आता है चटनी का। और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसमें इसको मैं कर दूंगी साइड में। और अब हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी। तो यहाँ पे स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबलस्पून ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 कली लहसुन, और 1 हरी मिर्च को मैंने बहुत ही अच्छे से कूट लिया था। आप चाहें तो उसके पीसीस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कूट करके इसकी पेस्ट जैसा बना लिया था। और इसको हम सौते करेंगे ऑयल में, बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, जब तक इसका हल्का सा कच्चापन नहीं निकल जाता है उतना ही कुक करना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। और इसको हम इसी तरह से अच्छे से हिलाते हुए कुक कर लेंगे।
और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया था ग्रेटर से, तो वो डाल रही हूँ। अगर ग्रेट करने के बाद में आप एक बार पत्ता गोभी का हल्का सा प्रेस करके उसका पानी ज़रूर से निकाल लीजिए। और यहाँ पे एक कैरेट था उसको भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था और उसको भी प्रेस करके उसका भी पानी निकाल दिया था। हमें ये स्टफिंग बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको हल्के से एक बार प्रेस करने के बाद में इसका जितना पानी हो सके वो निकाल करके फिर दोनों इंग्रीडियंट्स के लिए हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम मटर भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। और अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये स्टफिंग रेडी होता है, पर बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। स्पेशली अदरक, हरी मिर्च और गार्लिक का पेस्ट आप ज़रूर से डालिए, उसी से इसकी बहुत ही अच्छे से, इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसका क्रंचीनेस बना रहना चाहिए। एक बार अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में हम गैस को कर देंगे बंद और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे और उसके बाद में हम इसको स्टफिंग करेंगे। और अब यहाँ पे हमारा जो हमने डो लगा करके रखा था वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब ऑयल और इसको हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा आटा अच्छे से हम चिकना कर लेंगे कुछ इस तरह से। और जब आटा हमारा बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा तब हम इसमें से छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। मोमोज़ के लिए बहुत बड़ी बड़ी लोई नहीं ज़रूरत है, एकदम छोटी छोटी हम लोई बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए। और इसको फिर हम अच्छे से राउंड शेप दे देंगे बॉल जैसा, ताकि हम जब इसकी पूरी जैसा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से परफेक्ट राउंड शेप आ जाए कुछ इस तरह से। और मैं इसी तरह से सारे डो के बॉल्स बना करके रख लूँगी, ताकि जब हम मोमोज बनाते हैं तो सारे डोज एक साथ में अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखिए मैंने सारे डोज में से बॉल्स बना करके साइड में रख लिए हैं, तो अब हम बनाएंगे मोमोज। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म में मैं लगा रही हूँ मैदा, बहुत ज़्यादा मैदे की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा डस्ट करना है मैदा। और अब हम इसकी एक थीक और अब हम इसमें से इसकी एक बहुत ही पतली सी पूरी जैसा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखना है वरना कुक नहीं होंगे मोमोज और बहुत टाइम भी लगेगा और उसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं एक पतली सी पूरी जैसा बेल लूँगी, देखिए कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी पतली पूरी बेली है। तो इसी तरह से मैं दूसरी पूरी भी बेल लूँगी और सारी पूरी को एक साथ में बेल के रख लूँगी। और ये देखिए मैंने सारी पूरी बेल के रख दी है, तो अब हम बनाएंगे मोमोज। तो यहाँ पे मैं 5 तरीके के मोमोज बता रही हूँ, तो आपको जो मेथड अच्छा है लगे और जो मेथड इजी लगती है आप उस मेथड से मोमोज का शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पूरी ले लूँगी और उसमें हम रख देंगे स्टफिंग। तो यहाँ पे मैं करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना स्टफिंग फिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितना स्टफिंग भर लिया है। और सबसे पहले हम जो फोल्ड करेंगे उसके लिए यहाँ पे हम 3 साइड्स मोमोज बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो ये देखिए मैं इस तरह से कोई भी 2 साइड्स लेके इसको अच्छे से प्रेस करते जाएंगे और फिर बाद में इसी तरह से दूसरी 2 साइड्स को प्रेस करते जाएंगे और एक प्रॉपर ट्राइंगल जैसा शेप बन जाएगा। ये देखिए 3 कॉर्नर शेप बन जाता है, बहुत ही इजी तरीके से कोई भी बना सकता है और बहुत ही आसान तरीके से और इजीली बन जाता है। ये देखिए हमारा एक ट्राइंगल शेप का मोमोज रेडी हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक दूसरी पूरी और उसमें भी मैं भर लूँगी स्टफिंग। अब यहाँ पे इसको बहुत ही इजी तरीके से हम इसको हाफ फोल्ड कर लेंगे पहले, तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको कम्प्लीटली हाफ फोल्ड कर लूँगी। अच्छे से प्रेस करना है ताकि हमारे जो मोमोज है जब स्टीम होंगे तब बिल्कुल भी खुले नहीं। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से हाफ फोल्ड कर दूंगी और अच्छे से प्रेस करने के बाद में हल्का सा आप इस तरह से ऐसे फोल्ड करने के बाद में ये जो 2 कॉर्नर्स है उसको हमें जॉइंट करना है कुछ इस तरह से, एक के ऊपर एक लगा करके लेयर से इस तरह से जॉइन करेंगे, तो ये एक और हमारे मोमोज का शेप रेडी हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही झटपट और बहुत ही डिफरेंट शेप बन जाता है मोमोज का, आप देख सकते हैं। तो ये भी मोमोज हमारा रेडी हो चुका है और इसी तरह से मैं
एक और पूरी ले लूंगी और उसमें भी मैं स्टफिंग भर लूंगी। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं मैंने जब ये फोल्ड किया है तो ये जो यहाँ पे फोल्ड कंप्लीट होता है वहाँ पे मैं इसका दूसरा फोल्ड का एज स्टिक करूँगी और इसी तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छे से प्लेट्स भी बन जाएगी और आपको बहुत ही इजी तरीके से आप इसको फोल्ड कर पाएंगे और एक बहुत ही अच्छा सा देखिए बहुत ही अच्छा सा डिफरेंट शेप का हमारा मोमोज रेडी हो चुका है और ये भी आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं चौथे तरीके से बताऊंगी, तो इसके लिए भी हम पूरी लेके उसमें स्टफिंग भर लेंगे। और इसको भी हमने पहले बनाया था उसी तरह से बनाएंगे, पर इसको ही हम बनाएंगे 3 फोल्ड। तो यहाँ पे हम हाफ फोल्ड करना है, पर हाफ फोल्ड करते टाइम बीच में इस तरह से 3 फोल्ड करने हैं और इसीलिए इसको 3 फोल्ड भी बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं 3 फोल्ड करके और उसके बाद में बाकी पोर्शन है उसको अच्छे से स्टिक कर लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फोल्ड से अच्छी 3 प्लेट्स जैसा बन गया है और इसको भी दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से हम ज्वाइन करके ये मोमोज रेडी कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा मोमो रेडी होता है। और अब यहाँ पर मैं 5वीं मेथड के लिए एक पूरी में सेम उसी तरह से स्टफिंग भर लूँगी और ये बहुत ही इजी तरीका है। जैसे जिस तरह से हम कचौरियाँ बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप सारे एजिस को एक साथ में कंबाइन कर लीजिए, कोई प्लेट्स नहीं, कोई 3 फोल्ड नहीं, बहुत ही आसान तरीके से पूरा पोर्शन अच्छे से कंबाइन कर लीजिए। हल्का सा उसको गोल घुमाइए, प्रेस करिए और तैयार है हमारी कचौरी सा शेप का मोमोज और ये भी बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सारे मोमोज रखे हैं, टोटल 5 शेप्स के मोमोज रेडी हो चुके हैं और इसी तरह से मैंने दूसरे मोमोज भी रेडी कर लिए थे। तो अब जिस प्लेट में हमें इसको बॉईल करना है, स्टीम देना है, उस प्लेट को हम नीचे ऑयल से ज़रूर से ग्रीस करेंगे, क्योंकि अगर हमारे मोमोज बिना ग्रीस कर रही हो प्लेट में आप स्टीम करेंगे तो मोमोज नीचे से स्टिक हो जाएंगे। प्लेट को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद में सारे मोमोज को मैं इस तरह से प्लेट पे अरेंज कर दूंगी और हर एक मोमोज के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर से रखें। मोमोज थोड़े से फूलते हैं, फैलते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे मोमोज को स्टीमर प्लेट पे अच्छे से अरेंज कर लिया है और अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पानी को बॉईल करने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे हमने जो मोमोज बना करके स्टीमर प्लेट पे रखे थे तो वो स्टीमर प्लेट उसमें रख दूंगी और इसको हम ढक करके 10 से 15 मिनट कुक होने देंगे, जब तक कि अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। बहुत ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमारे मोमोज 10 से 12 मिनट में अच्छे से कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, अंदर का जो फीलिंग है वो भी दिखने लग गया है। तो तैयार है हमारे टेस्टी स्टीम्ड मोमोज वेजीज वाले और बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत सारी मेथड से मोमोज बना सकते हैं और उसके साथ उसकी चटनी जो बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी तो है ही। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।